बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बकरीद स्पेशल बारबेक्यू कीमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना जिसको बहुत ही आसान है होममेड मसाले के साथ। और ये है मेरी अम्मी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कीमा लिया है, जो कि है वज़न में 1 किलो। इसको मैंने हाथ से कुटवाया हुआ है, देखिए इस तरह का है, थोड़े से मोटे चंक्स में है ये। तो अब हम इस कीमे को करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में सबसे पहले तो हम दही डालेंगे। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आपका दही खट्टा हो तो थोड़ा सा कम डालिएगा। तो ये हमारा दही जो है ना वो खट्टा नहीं होता, तो मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल दिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, मतलब लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम कचरी पाउडर 2 टीस्पून, जो कि एक मीट टेंडराइजर का काम करेगा। कचरी पाउडर ना हो तो आप पपीते का पेस्ट का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो इसमें कचरी पाउडर मैंने शामिल कर दिया है 2 टीस्पून। इसके अलावा ये है फ्राइड अनियन, जो कि 2 मीडियम फ्राइड अनियन का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। कप में ये है 1/2 कप, ये डाल देंगे इस कीमे में। तो कीमे में ये तमाम चीज़ों को डाल के इसको भी हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पर हम होममेड मसाला बनाएंगे, जो कि है बारबेक्यू मसाला। तो इस बारबेक्यू मसाले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, जिसमें हम साबुत काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। इसके साथ ही साबुत जीरा जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, और ये है साबुत लाल मिर्ची, जो कि मैंने 8 से 10 अदद डाली हैं, गोल वाली और ये पतली वाली दोनों मैंने इस्तेमाल की हैं। सौंठ डालेंगे हम 1/2 इंच का पीस। इसके अलावा कबाब चीनी जाएगी इसके अंदर 4 से 5 अदद, और यहाँ पे ये साबुत हल्दी का इस्तेमाल करी हूँ 1 टीस्पून। आप पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी का टुकड़ा 1 बड़ा लिया था, जिसको मैंने तोड़ के डाल दिया है। इसमें हरी इलायची जाएगी 2 से 3 अदद। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग पेपर का मैं इस्तेमाल करी हूँ, 2 अदद छोटे पीस लिए हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, ये कहलाती है पिपली। और ये है मेरे पास लौंगे, तकरीबन 4 से 5 अदद मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे दरदरी कुटी हुई जायफल और जावित्री, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून ली है। अगर आप पाउडर बनाते हैं तो भी ये 1/2 टीस्पून ही डालिएगा। इसके अलावा ये है हमारे पास बादियान का फूल, 1 अदद बादियान का फूल डाल दिया है मैंने। और ये है साबुत धनिया, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे 1 अदद बड़ी इलायची का भी मैं इस्तेमाल करूँगी, तो मीडियम साइज़ की ले लीजिएगा, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो जी ये जो मैं मसाला बना रही हूँ, ये तकरीबन 2 किलो गोश्त में आराम से जाएगा। मैं यहाँ पे 1 किलो गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हम आधा मसाला इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये हो गया है ड्राई रोस्ट, इसको हम निकाल लेते हैं एक जार में। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने जार में निकाल लिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। इसके अलावा काला नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, और पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें 1.5 टेबलस्पून। मैं पूरा पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून, और मिर्ची इसमें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसका हम बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए हमने इसका बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है, और ये पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमने 1/2 कर लिया है पाउडर को, तो आधा मैं इस्तेमाल करी हूँ इसमें से। अब इस कीमे में हम आधा मसाला शामिल कर देंगे। तो ये मैंने आधा जितना इस्तेमाल करना है इस कीमे के हिसाब से मैंने इसको निकाल लिया था, तो ये तकरीबन 8 टीस्पून के करीब बना था, ये मैंने डाल दिया। अब इसके अलावा इसमें क्रीम जाएगी, तो मैं यहाँ पर 100 ml क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि डेरी वाली क्रीम है, टेट्रापैक थिक क्रीम। और इन तमाम चीज़ों को अब हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, मैं इसको करूँगी पूरी रात के लिए मैरिनेट, और मैंने इसको बनाना था 2nd डे, क्योंकि बकरीद पे मेरे घर में आए थे गेस्ट, और मैंने गेस्ट के लिए बनाया था ये, जो कि जब मैरिनेट हो जाता है पूरी रात तो बहुत अच्छा बनता है ये, और काफ़ी कम जो है वो टाइम लगता है इसको बनाने में। तो इसको हमने कर दिया है मिक्स, इसको कर दिया है मैंने कवर, और अब हम इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट करेंगे। नेक्स्ट डे इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इस कीमे को मैंने कर लिया था पूरी रात के लिए मैरिनेट, और आप 3 से 4 घंटे भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे खुली वॉक में तकरीबन 1/2 कप ऑयल डालेंगे। तो तेल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो मैरिनेट हुआ हुआ है हमारा कीमा, ये गर्म तेल में डाल देंगे, और मीडियम रखेंगे हम फ्लेम, क्योंकि इस कीमे में बहुत अच्छे से हुई हुई है गलावट, तो इसका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसको हम कर देते हैं कवर। जब हम इसको करेंगे कवर, तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा, तो हम इसको कवर करके पकाएँगे मीडियम फ्लेम पर। तो कीमे को मैंने कर दिया है कवर, तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे।
अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखें कीमा हमारा भुनाई पे है क्योंकि हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। इसमें इतनी अच्छी से गलावट हो गई थी, तो ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो इस कीमे को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से भूनेंगे और ये देख सकते हैं कि इसमें तेल सेपरेट होने लगा। ऐसे स्टेज पर हम कोयले का इसमें धुआं लगा देंगे और बस ये झटपट से रेडी हो जाता है। कोयले के ऊपर थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया है, अब इसको हम कर देते हैं कवर। 1 से 2 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बनता है और दावतों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को मेरी। तो धुआं लगा लिया है तो उसके कोयले की कटोरी को हम कर देते हैं रिमूव और आप इसको सर्व कीजिए रवे मैदे के पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ। ये बहुत ही लजीज लगता है। और बारबेक्यू की चटनियों की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, इस कीमे के साथ आप वो बनाएं और इसको इंजॉय कीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार कीमे की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए इस बारबेक्यू कीमे की रेसिपी को और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं स्टीम मटन चॉप्स। फ्राई चॉप्स तो हर किसी के घर में बनती हैं, ये बना रही हूँ मैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेंडर जूसी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मटन की चॉप्स ली हैं, थोड़े से बड़े साइज़ में हैं ये। 1 किलो मटन की चॉप्स हैं ये। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के। इसको हम प्री मैरिनेट कर रहे हैं। अब जाएगा इसके अंदर सिरका और सिरका हम डालेंगे इसके अंदर 1/4 कप। ये डालने से एक तो मटन में जो स्मेल होती है वो चली जाती है और मटन में जो ब्लड होता है वो भी निकल जाता है। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं बिल्कुल जूसी मॉइस्ट टेंडर सी मटन की चॉप्स बनाना, तो इस रेसिपी को आप एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। तो ये मिक्स हो गया है, अब इसको हम कर देते हैं कवर। 1 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। जब तक ये सोक होता है आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है जिसका मैंने पानी निकाल लिया था। हंग योगर्ट इस्तेमाल करी हूँ 1/2 कप। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। तो स्पाइसेस में मैंने नमक लिया है हसबे ज़रूरत, पिसी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें 1/2 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर भी मैंने लिया है 1/2 चाय का चम्मच ही। यह है भुना पिसा ज़ीरा जो कि है 1 चाय का चम्मच। यह है फूड कलर जो कि है 1 चौथाई चम्मच और यह है रेडीमेड तिक्का बोटी मसाला 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1/2 चाय का चम्मच, सौंठ का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच जिसे कहते हैं जिंजर पाउडर और यह है गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर दोनों ये चीज़ें ना हो तो आप पेस्ट डाल दीजिएगा। और यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी पिसी हुई ली है पाउडर बना के जो कि 1/2 चाय का चम्मच ही ली है, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच और यह है कचरी पाउडर जो कि मीट टेंडराइजर का काम करेगा। तो ये कचरी पाउडर मैं काफ़ी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप पपीते का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तमाम मसाले चले जाएंगे इस दही में। अच्छा जी, इन तमाम मसालों में आप मिर्चें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये तमाम मसाले मैंने डाल दिए हैं दही में। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नींबू का रस जो कि जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के और सोया सॉस जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक थिक सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें 2 ड्रॉप डाल सकते हैं ऑयल के ताकि मसाला बहुत अच्छे से चिपक जाए। तो ये चॉम्पों को मैरिनेट करने के लिए मसाला हमारा रेडी हो गया है, इसको अभी साइड में कर देते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे चॉम्पों को सोक हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, इसका सारा पानी हम निकाल देंगे और उसको सिंपली पैड ड्राई कर लेंगे टिश्यू पेपर से, इसको आपने वॉश नहीं करना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे प्रीहीटेड है हमारा ऑयल जिसमें एक एक करके हम तमाम चॉम्पों को डालेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो बेसिकली इस पे जो आउटर लेयर होती है उसको हमने थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। तो ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्टीम चॉम्प बना रही हैं तो उसको फ्राई क्यों किया है आपने। तो ये एक बावर्ची की रेसिपी है, बावर्ची स्टेप जो होते हैं उसी को फॉलो करते हुए ही मैंने इस रेसिपी को आप लोगों के साथ बना के शेयर किया है, जिसके रिजल्ट जो हैं वो बेहतरीन थे। तो आप भी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी ये चॉम्पों की रेसिपी। तो कर लेते हैं इसे फ्राई अप। तो देखें पानी जितना भी चॉम्पों में से रिलीज़ हुआ था वो तो इसमें ख़त्म हो गया है, अब इसको हम कर रहे हैं फ्राई। तो ये देखें स्लाइटली गोल्डन गोल्डन सी होने लगी हैं इस स्टेज पे। बस हम चॉम्पों को फ्राई करके निकाल लेंगे।
तो ये देखें चाँपों में हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, तो बस इसको मैं निकाल रही हूँ और 30% तक इसमें ही फ्राई होने में ये चाँपें गल जाती हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं किसी भी स्ट्रेनर में ताकि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की छन्नी ले ली है जिसमें हम तमाम चाँपों को निकाल लेंगे। इन तमाम चाँपों को फ्राई करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर हम ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको करेंगे मैरिनेट। अब ये चाँपें हमारी रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी हैं, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम तैयार किए हुए मसाले को डाल देंगे और ये सारा मसाला हम चाँपों पे अच्छे से लगा देंगे। तो ये जो हमने मसाला डाला है इसके अंदर, इसको हम लगा के चाँपों पे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करेंगे ताकि ये मसाला जो है इसमें अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और जो हमने कचरी पाउडर डाला है इससे इसमें बहुत अच्छे से गलावट हो जाए। तो ये तमाम मसाले को मैंने चाँपों के ऊपर लगा दिया है और इसको हम 1 घंटे के बाद स्टीम करेंगे। तो कर देते हैं इसको कवर, 1 घंटे के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे स्टीमर की छन्नी ले ली है जिसमें हम एक एक करके इन तमाम चाँपों को रख देंगे और स्टीम कर लेंगे। और जिनके पास स्टीमर ना हो तो वो क्या करें, तो वो किसी भी छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये तमाम चाँपों को स्टीमर में डाल दिया है और स्टीमर की छन्नी जो है मैंने थोड़ी सी बड़ी ले ली है यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे छोटी पड़ रही थी। अब यहाँ पे स्टीमर को मैंने रेडी किया हुआ है, यहाँ पे पानी हमारा उबल रहा है, तो जितना बड़ा आपका भगोना हो उसमें आपने आधे से भी कम पानी लेना है और इस छन्नी को इस पर रख देना है। पानी को बहुत अच्छे से खौला लें तभी आप इस छन्नी को उसके ऊपर रखिएगा ताकि डायरेक्ट स्टीम इसमें पड़े। और फ्लेम को आपने मैक्सिमम रखना है और इसको कवर कर देना है तकरीबन 45 मिनट के लिए, और 45 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। फिर अब चाँपों को स्टीम होते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद देखें चाँपों की है ये पोजीशन, बेहतरीन सी गल चुकी हैं। तो देख सकते हैं आप हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग सी हो चुकी हैं, तो बिल्कुल देखें ज़बरदस्त सी गल चुकी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी स्टीम मटन चॉप्स की, दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरीद पे, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप इस रेसिपी को पाएंगे। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बकरीद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार से कबाबों की रेसिपी, जिसे आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ हैं ये गोला कबाब स्टाइल में लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मटन का कीमा लिया है जो कि 1/2 किलो है। इसमें देखें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। जब मैंने इसको वॉश किया था तो मैंने इसको छन्नी में रख दिया था ताकि सारा पानी निकल सके। अब इसको हम डाल देंगे चॉपर में। तो किसी भी चीज़ में इस रेसिपी में पानी नहीं होना चाहिए, तो अगर आपका कीमे में पानी है तो उसको छन्नी में रख लीजिए ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। चलिए जी, अब इसमें शामिल करेंगे हम तली हुई प्याज जो कि है 4 टेबल स्पून। इसके अलावा कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो नमक लिया है मैंने हसबे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और यह है पिपली का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके। तो ये देखें मैंने 10 अदद काली मिर्च ली थी और ये इतना बड़ा पीस मैंने पिपली का लिया था जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया था। तो ये तकरीबन 1/3 टीस्पून बन गया, ये डालेंगे। और यह है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, चिकन मैगी पाउडर जो कि है 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये मिर्चें जो हैं आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे हम इस कीमे में। इसके अलावा हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसमें मैंने कचरी पाउडर लिया है जो कि मीट एंड ब्राइजर का काम करेगा, ये 1 टीस्पून है। अगर आपके पास कचरी पाउडर ना हो तो आप पपीते का पेस्ट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। यह है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास ये दोनों पाउडर ना हो तो पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक जाएगा 1/4 टीस्पून। तो ये तमाम स्पाइसेस डलेगा इसमें। और यह है हरी मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून चली गई। इसके अलावा ये है भुने हुए चने जिसका मैंने पाउडर बना लिया था, ये 3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ये बाइंडिंग एजेंट है। अब इन तमाम चीज़ों के साथ ही हम दही डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो कीमे में तमाम इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं मैंने, अब इसको चॉपराइज कर लेंगे हम और एक बिल्कुल फाइन सा हमने एक टेक्सचर बनाना है इसका।
अब ये कीमा हमारा पिस चुका है, तो चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इसका, और यही टेक्सचर हमें चाहिए। देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि हमने कोई पेस्ट का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो उसमें पानी निकाल दीजिएगा, फिर ही इसमें ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर के लिए स्मोक लगा रहे हैं चारकोल का, तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और उसको कवर कर देंगे एक मिनट के लिए, ताकि इसमें सारा एरोमा आ जाए। तो इस कीमे में मैंने चारकोल का स्मोक दे दिया है, अब इसको हम रिमूव कर देंगे कटोरी को और अब हम इसको शेप देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने एक अदद स्ट्रॉ ले ली है, ये स्ट्रॉ जो है वो गत्ते वाली है, इसलिए मैं इसको कवर करी हूँ एल्युमिनियम फॉल से। आप किसी सीक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर किसी भी वुडन स्क्यूबर्स का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये मैं शेप देने के लिए इस तरह से बना रही हूँ, तो ये थोड़ी सी मजबूत हो गई है इस तरह से। तो ये मैंने स्टिक बना के तैयार कर ली है। अब यहाँ पे मैंने सीलिंग शीट रख ली है, जिसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में कीमा लेंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे से गोला कबाब का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हमने कीमे को इस तरह से फैला दिया है, बीच में मैंने स्टिक रख दी है और अब हम इसको इस तरह से रैप करेंगे। तो इस कबाब को सीलिंग शीट के साथ मैंने कवर कर दिया है और एक्सेस को हम इस तरह से काट लेंगे, और ये इस तरह से साइडों से मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया है। अब हम एक थ्रेड ले लेंगे और इसमें से हम तीन कबाब निकालेंगे। तो ये इतनी बड़ी स्टिक्स में से आपने छोटे छोटे से गोला कबाब स्टाइल में इसको निकालना है, और ये होगा इससे कि जब हम इसका आगे का जो स्टेप करेंगे ना, उससे ये बहुत ईजिली कबाब बन के निकल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इससे, और ईजी आपके ये बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने स्टिक्स बना के तैयार कर लेनी है। तो देखें इसमें तीन कबाब बन गए हैं छोटे बड़े साइज़ के। तो इसी तरह से बाकी के तमाम स्टिक्स को भी बना के तैयार कर लेंगे। देखें यहाँ पे मैंने कुछ स्टिक्स इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं, कबाबों को टाइटली कवर कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा कीमा बचा हुआ है, थोड़ा सा हाथों पर हम ऑयल लगा लेंगे और इसमें से छोटे छोटे से हम कबाब बना लेंगे। अगर आपने इसको फ्रीज़र करना है तो ये स्टेप्स जो हैं वो आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी हो जाएगा इसको बनाना। अच्छा जी, यहाँ पर हम छोटे छोटे से बना रहे हैं इसके कबाब। तो इसको आपने जैसा शेप देना हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। मैंने गोला कबाब वाला शेप दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने पानी को गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और पानी जो है हमारा बॉयल हो चुका है। इसमें ये जो हमने स्टिक्स तैयार की हैं कबाबों की, ये हम डाल के बॉयल कर लेंगे। तो ये जो बॉयल करने की टेक्निक है कबाबों की, ये जो है फ्रीज़ करने के लिए है, और ये जो सीलिंग शीट मैंने यूज़ की है ये हीट प्रूफ है। तो ये हीट प्रूफ आपको हर जगह मिल जाती है। इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बस बॉयल करेंगे। तो देखें 6 से 7 मिनट गुजरने के बाद इन तमाम स्टिक्स को हम निकाल लेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें जब थोड़ी सी ये ठंडी हो गई हैं, तो इसको हम रिमूव करने लगे हैं। और इसको रिमूव करने का ये तरीका है कि इसको आप इजीली कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से डायरेक्ट कट करेंगे, ये देखें इस तरीके से। और अगर आप किसी भी स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट धागा खोल के और सीलिंग शीट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें बेहतरीन से गोला कबाब की शेप में ये हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं इस स्टेज पे, और किसी भी जिबर लॉक बैग में डाल दीजिए या फिर किसी भी एयरटाइट बॉक्स में आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए। तो जब चाहें इसको आप फ्राई कर लीजिए। तो ये बेहतरीन से बन जाते हैं, जब कोई मेहमान आए आप झटपट डालिए थोड़ा सा ऑयल और इसको फ्राई कर लीजिए। अब मैं दिखा देती हूँ इसको फ्राई करके भी आपको। तो यहाँ पे हमारा पैन प्री हीटेड है, जिसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाला है ऑयल। अब एक एक करके हम कबाबों को डालते जाएंगे। तो ये देखें बेहतरीन से हमारे कबाब जो हैं वो बन गए हैं। इसमें मैंने थोड़े से ये जो बॉयल हुए में हैं ये भी इस्तेमाल करी हूँ, और ये जो हमने कच्चे हैं ये भी डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हम मीडियम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो बहुत ही कम ऑयल में आपने इसको फ्राई करना होता है। हल्का हल्का से देखें इसमें कलर आने लगा है। अब हम इसको कर देते हैं कवर। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक करेंगे मज़ीद। और ढक्कन लगाने के बाद आप इसको इस तरह से बीच में से थोड़ा थोड़ा हिलाते भी रहिएगा, ताकि ये जले नहीं। अभी देखें 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल हल्के हल्के से थोड़े से कलर में आ चुके हैं। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। तो पानी आपने हाथ में लेके थोड़ा सा सरा स्प्लैश जैसे देते हैं उस तरह आपने डालना है। तो देखें पानी का छींटा मार दिया है मैंने कबाबों के ऊपर। अब हम इसको कर देते हैं कवर, और इसको हम मज़ीद कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसको मैं कर रही हूँ कवर, 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे।
तो देखिए इन कबाबों का कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर डाला था। तो ये देखें बेहतरीन से कबाब बन के रेडी हो गए हैं। इसको हम निकालेंगे सिज़लर प्लेटर में। तो यहाँ पे मैंने सिज़लर प्लेटर को गर्म किया हुआ है जिसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज और थोड़ी सी कैबेज है। जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल्स में इसको सर्व किया जाता है उसी तरह से मैं इन कबाबों को सर्व कर रही हूँ। लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अब मैं दिखा देती हूँ उसका लुक कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये ऐसे हैं कि मुँह में जाएँ तो घुल जाएँ। ज़रूर ट्राई करना है आपने इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। और रेसिपी को कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कोफ्ते बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर लेते हैं कोफ्तों की। सबसे पहले चॉपर में हम डालेंगे आधा किलो कीमा। तो मैं मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन कीमे में पानी बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये कीमा चला गया है चॉपर में। अब इसमें शामिल करेंगे हम दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1/2 टी स्पून। तो इन तीनों चीज़ों में भी देखें पानी मौजूद नहीं है, ये चला जाएगा कीमे के अंदर। और ये है तली हुई प्याज जो कि मैंने ली है 2 टेबल स्पून, ये शामिल कर देंगे हम इसमें। इसके अलावा हम इसमें कच्ची प्याज का इस्तेमाल भी करेंगे जो कि एक छोटी डली प्याज की ली थी, इसको मैंने रफली काटा हुआ है। थोड़े सा पुदीना लिया था और थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे भुने हुए चनों का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने भुने हुए चने लिए थे जिसको मैंने पाउडर में बना लिया है, ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। इसके अलावा हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे जिसमें मैंने काजू का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून जो कि सब्स्टिट्यूट है खशखाश का क्योंकि यहाँ पे खशखाश नहीं मिलती है। कुटी हुई लाल मिर्च लिया है 1/2 टी स्पून, जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है 1/4 टी स्पून, दरदरा कुटा हुआ धनिया 1/4 टी स्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, नमक लिया है हसबे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ 1 टी स्पून। तो ये तमाम चीज़ें चली गई हैं इसमें। मैंने इन कोफ्तों की रेसिपी के लिए काजू का पाउडर इस्तेमाल किया है। जिन ममालिकों में खशखाश आती हो तो 1 टेबल स्पून खशखाश ले लीजिएगा, उसको वॉश करके सोक कर लीजिएगा और पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा इसमें दही डालेंगे जिसमें भी पानी नहीं है बिल्कुल, 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। अब इसको हम चॉपराइज कर लेंगे। तो ये कोफ्ते का कीमा मैंने पीस लिया है और ये देखें इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा देती हूँ अब। तो ये देखें बेहतरीन सा कीमा हमारा पिस चुका है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इसका। और इसको अभी हम निकाल लेते हैं बोल में और फिर हम देंगे इसको शेप। तो कोफ्ते के कीमे को मैंने निकाल लिया है बोल में और अब हम इसको देंगे शेप। तो यहाँ पे हाथों पे हल्का सा मैंने तेल लगा लिया है। तो तेल लगा लें या पानी लगा लें। और छोटी साइज़ की हमने बॉल्स बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बॉल्स नहीं बनानी है। तो ये साइज़ है बॉल्स का, इसको साइड में कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम चावल बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर पानी को उबलने के लिए रखा हुआ है जिसके लिए मैंने 2 अदद तेज़पत्ते ले लिए हैं, ये मैंने डाल दिए हैं पानी में। इसके अलावा 4 अदद हरी इलायची हैं और 2 अदद लौंग है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। साथ ही थोड़ा सा हम तेल भी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब हम डालेंगे इसमें सोख हुए हुए राइस। तो मैं यहाँ पे 1/2 किलो चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसको मैंने वॉश करके भिगो दिया था 1/2 घंटे पहले, और भिगोने के बाद मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। अब इसको हम 3-4 डन कर लेंगे। तो इन चावलों को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए हैं चावल हमारे। इन तमाम चावलों को ड्रेन आउट करके हम साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने एक खुला सा पॉट ले लिया है जिसमें हम तेल डालेंगे। तो मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी पका हुआ है। इस तेल में मैंने ऑलरेडी फ्राई की हुई है प्याज। तो मैं यहाँ पे तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 2 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज हैं ये। तो मैं अभी आधी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। अब इसके अंदर मोटी कुटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के ब्लेंड किए हुए टमाटर। तो ये 1 कप प्योरे बनी ये मैंने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। और दही डालेंगे 3 टेबल स्पून। तो इसको बगैर बीट के ही मैं ऐसे डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी चूल्हे की आंच को खोला नहीं है। अभी तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आँच को हम खोल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। अब देखिए मसाले को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए भून लिया है। अब इस स्टेज पर चिकन स्टॉक डालेंगे हम जो कि आपको मिल जाता है मार्केट में। तो 1 पैकेट में 2 चिकन क्यूब होते हैं, मैं आधे का इस्तेमाल करी हूँ ये। इसके अलावा बिरयानी मसाला लिया है मैंने होममेड जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक लिया है हसबे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों के डाल दिए हैं मैंने इसमें।
अब मसाले डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हमने भूनना है। अब थोड़ी ही देर बाद देखें तो हमारा देखें मसाला भुन चुका है, तेल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। अब जब तक ये मसाला हल्की आँच पर पक रहा है नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में तेल ले लिया है थोड़ा सा, जिसको मैंने प्री हीट कर लिया है। इसमें हम फ्राई करेंगे अंडे। तो यहाँ पर 6 अदद बॉयल कर लिए हैं मैंने अंडे, जिसको मैं डाल के हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी। तो इस बिरयानी की रेसिपी में हम कोफ्ते भी डालेंगे, अंडे भी डालेंगे और आलू भी डालेंगे। तो ये देखें हल्के से शैलो फ्राई हो गए हैं, तो मैंने अंडों को निकाल लिया है। अब इसमें हम उबले हुए आलू डालेंगे जो कि मैंने हाफ डन किए हुए हैं। तो ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने थोड़े से नमक और फूड कलर डाल के बॉयल कर लिया था। अब हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक कि ये फुली डन नहीं हो जाते और इसमें स्लाइटली कलर नहीं आ जाता। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, तो आलू को हम अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। तो देखें एक तरफ से तो इसमें स्लाइटली गोल्डन सा कलर आ चुका है, अब दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे इसे। अब ये आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये आलू और अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कोफ्तों को भी एक एक करके डालेंगे और सेम तेल में हम इनको फ्राई करेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और ये अंदर तक कुक नहीं हो जाते। तो तमाम कोफ्तों को डाल दिया है, अब हम इनको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको कवर करके पका लिया है। अब इसको हम अलट पलट करके थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी कोफ्ते देखिए हमारे स्लाइटली गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं, तो इसको निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। तो इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए हल्की आंच पे, और ये हमारी यखनी सी बन गई है कुछ। तो इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पर हम कोफ्ते डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़े से कोफ्ते उठा रही हूँ, गार्निश के वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। और आधे से ज़्यादा मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं मसाले में, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसमें शामिल कर देंगे हम एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने रफली काट लिया था तो ये चला गया। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, तो ये मुट्ठी भर हरा धनिया है मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। साथ ही थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक चली गई, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते चले गए इसमें, और इसके अंदर हम 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। और बस इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है इस स्टेज पे, ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। अब ये मसाला जब कोफ्तों के साथ मिक्स हो गया है, तो इसमें हम डाल रहे हैं चावल। तो मैं यहाँ पे कोई लेयर नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट बस चावलों को डाल दिया है मैंने। अब चावलों के ऊपर हम आलूओं को रख देंगे, जिसको मैंने फ्राई कर लिया था, और यहाँ पे बॉयल अंडे जो हैं इनको भी रख दिया है मैंने, और ये कोफ्ते चले गए। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लेमन जूस डाल रहे हैं, तो आधा लेमन जूस डाल दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ हरा धनिया, पुदीना, अदरक और ये तली हुई प्याज जो मैंने उठा ली थी ये भी मैंने डाल दी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम फूड कलर। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून गरम दूध लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था। ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मिक्सचर। और अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। तो यहाँ पे 1 कप गरम पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे काफ़ी अच्छी स्टीम बनेगी, जिस तरह बावर्ची डालते हैं। तो मैंने यही टेक्निक इस्तेमाल की है, इससे ये होता है कि बिरयानी लगती भी नहीं है और दम पर बहुत अच्छे राइस आ जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर और डाल रही हूँ ऑयल। तो इस पूरी बिरयानी में मैंने 1/2 कप तेल का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसको कर रहे हैं कवर एल्युमिनियम फॉयल से, और इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट का। तो इस बिरयानी को शुरू के 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। जब इसमें से अच्छी सी स्टीम बन जाएगी तो लो कर देंगे फ्लेम को और इसको दम पे पकाएंगे। अब तकरीबन 12 से 13 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं बिरयानी को। तो ये बिरयानी हमारी दम पे आ चुकी है, अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। तो ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनके तैयार हुई थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी का फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है, कुकर में हम डालेंगे मीट। तो मैं यहाँ पे बोनलेस मीट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि रेड मीट है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, ये रेसिपी बीफ की है। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चने की दाल, जो कि मैंने ली है 3/4 कप, और 3/4 कप का मतलब होता है 1 कप से थोड़ी सी कम। तो इस दाल को मैंने वॉश करके 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था, और भीगी हुई दाल डाली है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन के जवे, जो कि मैंने लिए हैं 7 से 8 अदद, ये डाल देंगे इसके अंदर।
इसके अलावा इसमें जाएगा अदरक का टुकड़ा जो कि 1 इंच का था, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये भी डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की इसमें मैं प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, ये चली गई इसके अंदर। एक अदद दालचीनी का टुकड़ा चला गया है इसमें। इसके अलावा हम इसमें साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। ये 10 से 12 अदद मैंने ली हैं, ये चली गई हैं इसमें। इसके अलावा इसमें साबुत सूखा धनिया जाएगा जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। इसके अलावा शामिल करेंगे काली मिर्च, तो यहाँ पर 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च चली गई। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे साबुत बड़ी इलायची जो कि मैंने 2 अदद डाली हैं। साबुत ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई सौंफ जो कि मैंने ली है 1/2 टीस्पून, ये मैं डाल रही हूँ, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। नमक जाएगा हसबे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों के साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर इमली का पल्प जो कि मैंने लिया है 2 टीस्पून। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार से शामी कबाब बन के तैयार होते हैं इसको डालने से। और अब जाएगा इसके अंदर पानी, तो यहाँ पर मैं 2 कप + 1/4 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पानी आपने इतना डालना है कि ये गोश्त और दालें जो हैं वो इसमें बिल्कुल भीग जाएं। तो ये मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, तो यहाँ पे तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर जाएगा जो कि खूबसूरत से कलर के शामी कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये डाल दी हूँ मैं इसमें, और अब हम इसको कर देते हैं कवर। इसको हम तकरीबन 25 से 30 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, और ये डिपेंड करता है आपके गोश्त के ऊपर, डिपेंड करता है कि आप कुकर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसको 25 मिनट के लिए प्रेशर दे रही हूँ, और 25 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे हम। अब तकरीबन 25 से 26 मिनट गुजर चुके हैं, प्रेशर को मैंने रिलीज़ कर लिया है, और अब हम लिड को खोल देंगे। तो ये देखें इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है, इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को खोल देंगे ड्राई करने के लिए इसको, और इसमें से हम दालचीनी का टुकड़ा भी रिमूव कर देंगे, और जो हमने बड़ी इलायची डाली थी उसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो थोड़ी सी इसमें से मैं काली मिर्च भी रिमूव कर रही हूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गरम मसाला कितना पसंद है, तो बहुत ज़्यादा झल ना हो तो इसलिए मैं इसको रिमूव करी हूँ, बस इसका अरोमा ही चाहिए था हमें। तो बाद में हम जो है वो पिसे हुए गरम मसाले का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने निकाल दिया है। अभी देखें हमारे कबाबों में से थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई हो गया है इस स्टेज पे। हम चकटू डंडे की मदद से, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है जिससे मैं चटनियाँ वगैरह बनाती हूँ, तो इसकी मदद से मैं इसको कूटने लगी हूँ। आप कोई भी मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये इजीली मैश हो सके, रेशा बन सके। तो मैं इससे ही इसको मैश करूँगी ताकि बहुत ही रेशेदार शामी कबाब बने। तो यहाँ पर आपने कोई भी चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना, चॉपर वगैरह में ये इस तरह के रेशेदार शामी कबाब बनते भी नहीं हैं। तो ये देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है, इसको मैंने 25 से 26 मिनट का प्रेशर लगाया है, और आपने इसको इसी तरह गलाना है कि देखें मैंने हल्का हल्का सा इसको इस तरह से किया है, और ये देखें रेशे रेशे इसमें हो गया है। बस इसी तरह से करते जाएंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद देखें तो हमारे कबाब बिल्कुल इस शक्ल में आ चुके हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कूट लिया है, और ये बिल्कुल रेशेदार शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। अब इस स्टेज पे इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में, और फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो शामी कबाब के कीमे को मैंने बोल में निकाल लिया है, अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद लार्ज साइज़ का अंडा। तो अगर मीडियम साइज़ के हों, स्मॉल साइज़ के हों तो 2 अदद डाल दीजिएगा इसमें। तो मैंने 1 अदद डाल दिया है इसमें, जो कि काफ़ी है इसके लिए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ये मैं थोड़े से जायके के लिए डाल रही हूँ, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरा मसाला। तो हरे मसाले में मैंने हरा धनिया पुदीना लिया है, तो मुट्ठी भर हरा धनिया और पुदीना है, और ये है कुटी हुई हरी मिर्चें जो कि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इन तमाम चीज़ों के साथ हम कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, जो कि क्रिस्पी बनाएगा इन कबाबों को। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। वेल कम्बाइन करेंगे हम इन शामी कबाबों के मसालों को इन तमाम इन्ग्रीडियंट्स के साथ। शामी कबाब के कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 1 अदद लिड ले लिया है, किसी भी जार का लिड ले लीजिए जो कि शामी कबाब को शेप परफेक्ट देते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे सीलिंग शीट, या आप कोई भी थैली ले लीजिए सीलिंग शीट ना हो तो। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर शामी कबाब जितना कीमा ले लिया है उसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर दिया, सीलिंग शीट के ऊपर रखने के बाद भी इसको हल्का सा प्रेस कर दिया।
अब आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये देखें परफेक्ट शेप के साथ ये बिल्कुल बन जाते हैं और इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से हम बाकी के तमाम को भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कबाब बना लिए हैं, कुछ तो मैंने फ्रीज़र करने के लिए रख दिए हैं, तो इतने कीमे में मैंने 22 कबाब बना के तैयार किए हैं। अब हम इनको कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया है और बहुत ज़्यादा तेल में इसको डीप फ्राई मैं नहीं करती हूँ, बस इतना है कि ये थोड़े से आधे डूब जाएँ। तो कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन से नहीं हो जाते। तो तमाम कबाबों को बस अलट पलट करते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं बगैर मेहनत किए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे ये कबाब। कबाब हमारे बन गए हैं, उनको मैंने फ्राई करके निकाल दिया है और यहाँ पे